नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज दोस्तों मैं बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों आज जो टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं वो दोस्तों रिजेक्शन। रिजेक्शन को किस तरह से ठीक किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग देखिए ध्यान से, और एक दोस्त एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे दोस्तों, हम जितने सारे वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं दोस्तों, बना के आप लोगों को देते हैं दोस्तों, वो वीडियो को आप लोग देखते नहीं हैं दोस्तों। आप लोग देखा कीजिए दोस्तों, मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों का रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग वीडियो देखा कीजिए, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग कुछ सीख पाए इसके वजह से दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाकी मैं वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ। आज जो वीडियो के बारे में वीडियो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन आप किस तरीके से आप खुद से आप अपना आईडी से आप ठीक कर सकते हैं अपना रिजेक्शन को, तो वो बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। पूरे डिटेल्स में बात करने वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों के सामने एक रिजेक्शन को मैं ठीक करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूँ रिजेक्शन किस तरीके से आता है। रिजेक्शन दोस्तों देखिए, आप लोगों को इस तरीके से रिजेक्शन आता है, इस तरीके से रिजेक्शन आता है। देखो यहाँ देखिए दोस्तों, दो रिजेक्शन आया हुआ है। एक देखिए यहाँ से इतना तक देखिए, एक रिजेक्शन आया हुआ है जो बोल रहा है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर्म का सभी पेज सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करने के लिए। ये तो दोस्तों आपका फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के सेल्फ अटेस्टेड करके तो आप ठीक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऊपर का जो रिजेक्शन है दोस्तों, ये रिजेक्शन सब लोगों को समझ में नहीं आता है। ये रिजेक्शन दोस्तों सब लोगों को समझ में नहीं आता है किस तरीके से ठीक किया जाता है। ऊपर वाला जो रिजेक्शन है दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बोल रहा है आयर का एड्रेस प्रूफ नहीं है, ये वाला रिजेक्शन आप किस तरीके से ठीक करोगे, तो इसके बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। ये इस तरह का रिजेक्शन दोस्तों बहुत सारा भाई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका और भी कुछ रिजेक्शन आ सकते हैं, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट से क्लियर नहीं है, आपका फ़ोटो नहीं है, इस तरह का रिजेक्शन आता है। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं इसका रिजेक्शन किस तरीके से आप ठीक करोगी। आयर का एड्रेस प्रूफ नहीं है, ये रिजेक्शन किस लिए आया है दोस्तों? ये रिजेक्शन इसलिए आया है जब हम लोग दोस्तों गेस्ट को ज्वाइनिंग करते हैं, किसी का नया आईडी बनाते हैं, जब उसको ज्वाइनिंग करने के टाइम में जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उस टाइम में दोस्तों किसी कारण के वजह से दोस्तों हम लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए दोस्तों इस तरह का रिजेक्शन आ जाता है दोस्तों। कहीं कहीं दोस्तों हम लोग कैमरा के किसी गेस्ट का फ़ोटो हम लोग अपलोड करते हैं मोबाइल से फ़ोटो खींच के, तो अच्छा क्लियर से नहीं हो पाता है, इसलिए दोस्तों इस तरह का रिजेक्शन आता है। जैसे कि आधार कार्ड का फ़ोटो क्लियर अगर नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए रिजेक्शन आता है दोस्तों। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर नहीं है, है ना, इस तरह का। तो कभी कभी फ़ोटो की वजह से भी आता है आपका, बहुत सारा रीजन्स के लिए आ सकते हैं। तो वो वाला रिजेक्शन को आप किस तरीके से ठीक कर पाओगे, तो उसके लिए मैं दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। रिजेक्शन को ठीक किस प्रोसेस से किया जाता है। रिजेक्शन को ठीक करने के लिए दोस्तों आपका जिसका रिजेक्शन आया है उसका ऑफलाइन का आईडी से उसको रिजेक्शन को ठीक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिजेक्शन आया हुआ है इसका मैं ऑफलाइन का जो आईडी है उस आईडी को मैं खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। आप किसी का भी रिजेक्शन ठीक करोगे तो उसका ऑफलाइन का आईडी से ही करना, यही है प्रोसेस। रिजेक्शन को ठीक करने का प्रोसेस यही है, जिसका रिजेक्शन आया है उसका ऑफलाइन का आईडी खोल करके उसको ठीक करना होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले ऑफलाइन का आईडी को ठीक कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जिसका रिजेक्शन मैं ठीक करने वाला हूँ उसका ऑफलाइन का मैं आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं ऑफलाइन का आईडी को लॉगिन कर लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों पासवर्ड का, एक मिनट। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, ऑफलाइन का आईडी में लॉगिन कर लिया, अभी आपको करना क्या है, आपको ऊपर में देखिए जो ऑप्शन है दोस्तों, ऊपर में जो ऑप्शन है डैशबोर्ड के साइड में देखिए, एक ऑप्शन है दोस्तों न्यू ऑप्शन है डैशबोर्ड के साइड में ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैं मार्क कर दिया हूँ आप लोग को समझ में आने के लिए। देखिए दोस्तों मैं मार्क करके रखा हूँ जो न्यू ऑप्शन, आपको न्यू ऑप्शन में जाना है। ऑफलाइन का आईडी लॉगिन करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन में जाना है दोस्तों। चलिए मैं न्यू ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। न्यू ऑप्शन में क्लिक कर लिया, न्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों
आप लोगों को एक ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आपको देखिएगा एक ऑप्शन जो लिखा हुआ है रिजेक्शन मैनेजमेंट। रिजेक्शन मैनेजमेंट में आपको जाना है दोस्तों। रिजेक्शन मैनेजमेंट में आपको जाके आपको आपका जो आप डाउनलाइन का रिजेक्शन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे रिजेक्शन मैनेजमेंट ऑप्शन में जाना है। चलिए मैं रिजेक्शन मैनेजमेंट ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको एक काम करना है दोस्तों, आपका फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो फ़ोन को थोड़ा सा दोस्तों आपको रोटेट कर लेना है, आपका स्क्रीन को रोटेट कर लेना है ताकि आपका फ़ोन प्रॉब्लम ना करे। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है रोटेट ना करने से दोस्तों। यहाँ पे पेज स्क्रॉल नहीं होता है, अटक जाता है, हैंग होता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा। तो मैं चलिए मेरा फ़ोन को रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ पे, आप जिसका रिजेक्शन ठीक करने वाला है उसका ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे डालना है। आप जिसका रिजेक्शन ठीक करने वाला है उसका रिजेक्शन, उसका जो ज्वाइनिंग डेट है दोस्तों, उसका ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। चलिए मैं ज्वाइनिंग डेट डाल देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं जॉइनिंग डेट डाल दिया। देखिए जॉइनिंग डेट की साइड में देखिए और एक ऑप्शन है डेट टू, ए वाला में आपको देना है दोस्तों आपका गेस्ट जिस मंथ में जॉइनिंग किया है उसका, मतलब यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिखाता है 31 दिन का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाता है। तो आपको यहाँ पे आपका गेस्ट जो जिस मंथ में जॉइनिंग किया है उसका लास्ट डेट यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना है नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आपका डाउनलाइन का, यहाँ पे आईडी देना है दोस्तों। यहाँ पे आपका डाउनलाइन का आईडी देना है जिसका रिजेक्शन आया है, जिसका आईडी में रिजेक्शन आया है वो आईडी नंबर यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर आईडी नंबर डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं आईडी नंबर डाल दिया। डाल देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स को आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। सर्च बॉक्स को क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे शो कर देगा दोस्तों, यहाँ पे जो जो रिजेक्शन आया हुआ है उसका आपको शो कर देगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ पर दो रिजेक्शन आया हुआ है, दो रिजेक्शन किस किस वजह से आया है वो हम आप लोग आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों दो रिजेक्शन आया हुआ है। देखिए दो रिजेक्शन किस किस वजह से आया है वो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रिजेक्शन आए हैं, दो रिजेक्शन किस लिए आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए शो कर रहे हैं। आपका आयर का एड्रेस प्रूफ नहीं है और नीचे वाला जो रिजेक्शन है वो दोस्तों आपको बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म को, सभी फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अपलोड करने के लिए। तो चलिए मैं ऊपर वाला ऑप्शन जो है, ऊपर वाला रिजेक्शन एड्रेस प्रूफ नहीं है वो वाला ऑप्शन को मैं ठीक करके दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करने के बाद आपका जो दो बॉक्स दिखाएगा, छोटा छोटा बॉक्स, आप जिसको जिस रिजेक्शन को आप ठीक करने वाला है उसके ऊपर आपको टच, उसके ऊपर आपको एक राइट मार्क लगाना है। उसको बॉक्स में टच करेंगे तो राइट मार्क लग जाएगा। तो मैं ऊपर वाला रिजेक्शन को ठीक करने वाला हूँ इसलिए मैं ऊपर वाला बॉक्स को टच करूँगा। ऊपर वाला बॉक्स में मैं एक राइट चिन्ह लगा दूँगा। लगाने के बाद मैं दोस्तों आपको राइट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है, राइट साइड में स्क्रॉल करके लेके जाना है पेज को, जहाँ पे दोस्तों आपका रिजेक्शन लिखा हुआ है, जिस कारण की वजह से आपका रिजेक्शन लिखा हुआ है उस कारण के ऊपर में आपको टच करना है। उस कारण के ऊपर में आपको दो बार टच करना है। दो बार टच करने के बाद आपका एक पेज खुल जाएगा दोस्तों।
आपका एक पेज खुल जाएगा, इस तरह का पेज खुल जाएगा, इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। इस जगह में आपका जिस कारण की वजह से आपका रिजेक्शन आया हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट्स की वजह से, वो वाला डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं दोस्तों मैं इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ। मैं जिस जो लिखा हुआ है वहाँ पर दोस्तों एड्रेस प्रूफ नहीं है, इसलिए जो रिजेक्शन आया है इसलिए मैं एड्रेस प्रूफ को यहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं चूज़ फाइल में जाता हूँ। चूज़ फाइल में जाने के बाद दोस्तों मुझे गैलरी में ले जाने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फाइल में फाइल को चूज़ कर लेता हूँ। फाइल में चूज़ करने के साथ साथ मुझे अपना गैलरी में लेके जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं थ्री डॉट में क्लिक करूँगा। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद मुझे गैलरी में जाने के लिए ऑप्शन देगा दोस्तों। तो थ्री लाइन में क्लिक करने पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो गैलरी है जहाँ पे आपका फ़ोटो है उस जगह को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं मेरा फ़ोटो पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे इस जगह में मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है इस जगह में है, इसलिए मैं यहाँ पे इस फाइल को खोल लूँगा। इस फाइल को खोलने के बाद दोस्तों सबसे पहली जो फ़ोटो है दोस्तों वो मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो है जो रिजेक्शन आया हुआ है। तो मैं उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस फोटो सिलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसके बाद करना है देखिए इस साइड में एक ऑप्शन है, छोटा सा ऑप्शन जो कि सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन में आपको सेव कर देना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि रीमार्क, रीमार्क जो भरना है यहाँ पे आपका लिख देना है दोस्तों। आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स का आपका लिख देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका रीमार्क का एक बॉक्स खुला हुआ है। रीमार्क ऑप्शन में दोस्तों आपको आपका आधार कार्ड लिखना है। आप जिस डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं दोस्तों उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख पर लिख देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है दोस्तों। सेव पर क्लिक कर देना है, ओके। जब भी आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ओके करने के लिए बोलता है, श्योर आर यू श्योर श्योर टू सबमिट। तो हाँ दोस्तों मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के साथ साथ दोस्तों मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रिजेक्शन डिटेल सबमिट सक्सेसफुली। मेरा जिस कारण से रिजेक्शन आया था और उस रिजेक्शन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अपलोड कर दिया हूँ, वो सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, इसलिए मुझे दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों इस पेज को मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप रिजेक्शन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों अपना खुद से। तो ये था छोटा सा टॉपिक मेरा आज का वीडियो का। तो आप लोग देखिए और इस वीडियो को देख करके अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ रहेगा, आप मुझे इसको मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, और अगर बहुत ही अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है इसके लिए, समझ में नहीं आता है, तो मुझे बोलिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। मैं दोबारा आपके लिए दोस्तों आपका भला के लिए दोस्तों मैं और एक बार दोस्तों बेहतरीन तरीक़े से दोस्तों वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं दे दूँगा। और मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों मेरा वीडियो में दोस्तों। आप लोग के लिए दोस्तों मैं मेहनत करके दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप लोग देखा कीजिए। ओके बस, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में। मेरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।